नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। जी हां, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दें कि भारतीय टीम आज से वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जा रही है। पांच वनडे मैचों की सीरीज में भारत को यह भी डिसाइड करना है कि वो विश्व कप के कौन से खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम को जीत दिला सके। बड़ी बड़ी टीमें वहां पर होंगी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ऐसी टीमों से लड़ने के लिए आपको एक स्किल्ड बैट्समैन की ज़रूरत होगी और भारतीय टीम लगातार नंबर चार और नंबर छः पर स्ट्रगल कर रही है। ये हम अपने कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। क्या नंबर छः का विकल्प ऋषभ पंत हो सकते हैं, ये आज पता लग जाएगा। हो सकता है कि आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए, अगर ऋषभ पंत टीम में शामिल होते हैं तो वो एज अ बैट्समैन खेलेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आपकी फर्स्ट चॉइस एज अ कीपर हैं। नंबर चार की अगर बात की जाए तो अंबती रायडू, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है बल्लेबाजी के लिहाज से वो कुछ इसी तरह का बनेगा। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीन नंबर पर, चार नंबर पर रायडू, पांच नंबर पर धोनी और छह नंबर पर आपके पास ऋषभ पंत। गेंदबाजी में भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बुमराह और भुवनेश्वर नहीं है। खलील अहमद को आज मौका मिल सकता है, खलील अहमद के साथ उमेश यादव जिन्होंने टेस्ट मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की। तो यहां पर दो आपके पेसर और तीन आपके पास स्पिनर, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। यानी कि कुल मिला के भारतीय टीम एक अच्छा कॉम्बिनेशन तलाश रही है। दो वनडे मैचेस में जितने खिलाड़ियों को ये ट्राई कर सकते हैं ये उतनों को ट्राई करेंगे, क्योंकि अगले तीन मैचेस के लिए साफ कर चुका है बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट कि वो बाकी खिलाड़ियों को भी मौका देंगे। तो चलिए, क्या है आज की पांच बड़ी खबरें, ले चलते हैं आपको अपने इस खास सेगमेंट की ओर। आप देखिए क्या है आज की टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। वेस्टइंडीज के खिलाफ कल से भारत पांच वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलने जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया अपने सभी खिलाड़ियों को आजमाना चाहेगा। बता दें आपको कि विश्व कप की तैयारियों में अब बस कुछ ही महीनों का समय बचा है, ऐसे में भारत अपने नंबर चार और नंबर छह को लगभग फिक्स करना चाहेगा। बता दें आपको कि मैच से ठीक पहले दो खिलाड़ियों को कप्तान विराट ने जमकर प्रैक्टिस कराई, एक तो थे उमेश यादव और दूसरे थे ऋषभ पंत, लेकिन खलील अहमद को भी मैदान पर जमकर प्रैक्टिस करते देखा गया। ऐसे में खबरों की माने तो कल के मैच में दो खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। खलील अहमद हालांकि डेब्यू कर चुके हैं एशिया कप में भारत के लिए और भारत के दो मैचों में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ऐसे में खलील का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत को छह नंबर पर ट्राई करने की बात चल रही है, लेकिन अगर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आते हैं तो मनीष पांडे और केएल राहुल को बाहर बैठना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कल के मैच में किन खिलाड़ियों को मौका देंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ कल से टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने जा रही है। आपको बता दें कि पांच वनडे मैचों की सीरीज का आगाज कल से गुवाहाटी में होने वाला है और पहला वनडे गुवाहाटी में ही खेला जाएगा। बता दें आपको कि मैच से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें ऋषभ पंत डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको कि भारत के लिए टेस्ट और टी20 खेल चुके ऋषभ पंत अब वनडे में भी डेब्यू करने जा रहे हैं। टेस्ट मैचेस में भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले ऋषभ पंत को अब भारतीय टीम में नंबर 6 या नंबर 5 पर ट्राई किया जाएगा, ताकि ऋषभ एक बेहतर फिनिशर बन सके। अगर ऋषभ पंत को ये मौका मिला है तो ऋषभ पंत को दोनों हाथों से भुनाना होगा, ताकि वो विश्व कप में अपनी जगह पुख्ता कर पाए। बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय टीम नंबर 4 और नंबर 6 पर स्ट्रगल कर रही है, ऐसे में ऋषभ पंत का टीम में आना टीम के मोमेंटम को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि निचले क्रम पर भारत के पास तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी भी उतने तेज नजर नहीं आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत किस तरह से भारतीय टीम में प्रदर्शन कर पाते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में कल से वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है, जहां पर पहला वनडे कल यानी कि 21 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाना है। बता दें आपको कि पहले वनडे से ठीक पहले कयास लगाए जा रहे थे कि टीम इंडिया में 14 में से वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे, क्योंकि इस सीरीज को भारत की विश्व कप की तैयारी से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया ने अब अपने 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है जो पहले वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही टीम इंडिया ने अपने 12वें खिलाड़ी का भी नाम का ऐलान कर दिया है। बहरहाल आपको हम टीम के बारे में बता देते हैं। इस पूरे मैच में जो खिलाड़ी डेब्यू करने वाला है वो है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत भारत के लिए टी20 खेल चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन अब ऋषभ पंत भारत के लिए डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। 20 साल का ये बल्लेबाज एक बार फिर अपने चौके छक्कों की बरसात करने वाला है। चलिए अब आपको टीम बता देते हैं। जी हाँ, कप्तान विराट कोहली इस टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। शिखर धवन, रोहित शर्मा, अंबती रायडू, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी,
रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जी हाँ ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे और 12वें खिलाड़ी के तौर पर सैयद खलील अहमद को रखा गया है। चलिए बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का बैटिंग ऑर्डर काफी अलग नजर आने वाला है। पिछले कुछ महीनों में भारत का मिडिल ऑर्डर सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना हुआ था, जहां पर अब यह चिंता दूर करने की कोशिश की है कप्तान विराट ने। शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर खुद कप्तान विराट कोहली, 4 नंबर पर अंबती रायडू को मौका दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने एशिया कप में अच्छा किया। 5 नंबर पर ऋषभ पंत, 6 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पर कुलदीप यादव आएंगे, 9 नंबर पर युजवेंद्र चहल, 10वें नंबर पर उमेश यादव और 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी। बता दें आपको कि मोहम्मद शमी भी भारत के लिए 1 साल बाद वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम यहां से किस तरह से प्रदर्शन कर पाती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है। 21 अक्टूबर को वो वेस्टइंडीज से पहला वनडे गुवाहाटी में खेलेगी, जिसके लिए टीम इंडिया वहां पहुंच चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे क्योंकि वो काफी समय से क्रिकेट से दूर थे, ऐसे में उन्होंने पहले ही आकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। कल विराट कोहली गुवाहाटी पहुंचे, उनके साथ केएल राहुल भी पहुंचे। फैंस उनको देखकर काफी एक्साइटेड हो गए। जैसे ही फैंस ने विराट कोहली को देखा तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोग जोर जोर से चिल्लाकर ओए चीकू करके बुला रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल भी हुआ है। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद विराट कोहली घर पर आराम कर रहे थे। अब उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके बाद टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाएगी। बता दें कि टीम इंडिया के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज शानदार रही थी, दोनों ही टेस्ट टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिए। विराट उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने थे। काफी समय बाद विराट और धोनी की जोड़ी भी साथ देखने वाली है क्योंकि एशिया कप में विराट कोहली को आराम दिया गया था। काफी समय बाद दोनों साथ पे ग्राउंड पर भी नजर आएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया कल से वनडे सीरीज खेलने जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारियां टीम इंडिया के दिमाग में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। दरअसल ये बात तो सभी जानते हैं कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर 1 साल का बैन झेल रहे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल नहीं रहेंगे। ऐसे में एक और दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा चोट के कारण 8 हफ्ते के लिए टीम से बाहर रहेंगे, यानी कि उस्मान ख्वाजा भारत दौरे से भी बाहर हो सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी है कि एक स्टार ओपनर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल नहीं रहेगा। आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। बड़ी बात यह है कि भारत के पास इस बार बहुत बड़ा मौका है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद की नजरें अगले साल इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने पर है। खलील ने एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए टीम में चुना गया है। सीरीज का पहला मैच रविवार को खेला जाएगा। मैच से पहले खलील ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए मेरे पास तैयारी के लिए ये अच्छा मौका है। वर्ल्ड कप में जाने के लिए मैं वनडे में ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना चाहता हूं। अगर मुझे वर्ल्ड कप टीम में चुना जाता है तो इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेरे ऊपर दबाव भी कम होगा। अपने डेब्यू मैच के बारे में खलील ने कहा कि वो उस समय घबराए हुए थे। खलील ने कहा कि मैं अपने पहले मैच में काफी घबराया हुआ था क्योंकि मेरा पहला टूर्नामेंट एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट था, मुझ पर दबाव था, लेकिन पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मुझे लगा कि मैं आगे भी अच्छा कर सकता हूँ। खलील ने अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी उन्हें नया खिलाड़ी जैसा महसूस नहीं होने दिया। राजस्थान के टोंक के रहने वाले खलील ने कहा कि मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं टीम में नया हूं। सीनियर खिलाड़ियों ने मेरा समर्थन किया, हर कोई मुझसे बातें कर रहा था और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहा था। विवादित संगठन राजपूत करनी सेना ने भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा को अपनी गुजरात इकाई की महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराणा ने इसकी घोषणा की। बता दें कि करनी सेना फिल्म पद्मावत के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शनों के कारण चर्चा में आई थी। दशहरा के मौके पर राजकोट में आयोजित क्षत्रिय रासोत्सव के दौरान सर्वसम्मति से रीवा जडेजा के नाम की घोषणा की गई। गुजरात करनी सेना महिला विंग की अध्यक्ष बनी रीवा जडेजा का कहना है कि उनके पति रविंद्र जडेजा भी उनके फैसले के साथ हैं। रीवा ने पिछले साल जून में एक पुत्री को जन्म भी दिया था। इस साल मई में जामनगर में एक सड़क दुर्घटना के बाद एक पुलिसकर्मी से उन पर हमला करने की घटना के बाद
करणी सेना ने इसके विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किया था। रीवा जडेजा ने दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। रीवा सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, हालांकि शादी और फिर बच्ची की जिम्मेदारी की वजह से वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाई, मगर अब करणी सेना से जुड़ने के बाद उनका कहना है, मेरी पहली प्राथमिकता नारी शक्ति है, मेरा उद्देश्य क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए काम करना है। रीवा जडेजा ने मीटू अभियान का समर्थन किया। उनका कहना है कि मैं इसका समर्थन करती हूं क्योंकि हर महिला को अन्याय के खिलाफ बोलने का अधिकार है। तो देखा आपने, पांच बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज का सामना आज किस तरह से करती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी पांच अन्य बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।